हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पी के उर्दू। और आज हमारा दूसरा ये वीडियो है उर्दू इमला के हवाले से। उर्दू इमला में जो गलतुल आम अल्फाज होते हैं उसका ये दूसरा हिस्सा है। और देखते हैं अपने आज के अल्फाज जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में गलत लिख रहे होते हैं या फिर उनको गलत बोल रहे होते हैं। ये दूसरी हमारा जो पहला वीडियो था उसकी ये कंटिन्यूशन ही है। दाएं तरफ हम गलत इमला जो है वो आप देखेंगे और उसकी दुरुस्त इमला जो होगी वो आपको लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ नजर आएगी। जैसे ये लफ्ज़ है इलायची, ये अक्सर हम इसी तरह लिख रहे होते हैं, हमज़ा के साथ लिख रहे होते हैं। दोस्तों लफ्ज़ ये इलायची होता है, इलायची नहीं होता है। इनके हमज़ा जो है ये लिखने में भी नहीं आता और ये बोलने में भी नहीं आता। तो इसको जो सही तलफ़ुज़ है और सही जो इमला है वो इलायची ही है हमज़ा के बगैर। पसीना, महीना, ये दोनों अल्फाज जो हैं ये हे की बजाय ये अलिफ से लिखे जाते हैं, इनके आखिर में अलिफ आता है। और ये दो अल्फाज जो हैं आपके सामने कार्रवाई और याददाश्त, दोनों ही हम गलत लिख रहे होते हैं। दोस्तों दोनों अल्फाज जो हैं कार वाई नहीं होता, कार रिवाई, इसमें दो दफ़ा रे आती है। और इसी तरह याददाश्त नहीं होता, याददाश्त, यहाँ भी दो दफ़ा दाल आता है। हम इनको लिख भी गलत रहे हैं, लिखने में भी एक रे और एक दाल इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें, और बोलने में भी हम ये गलत ही पढ़ते हैं। कार रिवाई लफ्ज़ है और दूसरा जो है ये याद दाश्त, यानी कि दोनों रे और दोनों दाल लिखने में भी हैं और पढ़ने में भी इस्तेमाल होती हैं। मूसा, ईसा, लैला, ये नाम है। और मूसा ईसा तो आमतौर पर हम ठीक ही लिखते हैं, लेकिन लैला जो है अक्सर हम गलत लिख रहे होते हैं। ये अलिफ के साथ के लिख रहे हैं तो गलत है। ये तीनों अल्फाज के आखिर में छोटी ये और ऊपर फिर खड़ी जबर का इस्तेमाल होता है, इसी तरह इनको लिखना चाहिए मूसा, ईसा और लैला के जो अल्फाज हैं। दुल्हा और दुल्हन, दोस्तों ये मैंने लफ्ज पढ़ा है दुल्हा दुल्हन, ये मैंने गलत पढ़ा है, दुल्हा नहीं होता। असल में ये जो हे है ये इस्तेमाल ही नहीं होती, इसमें दो चीज़ हे आती है, इसको हम पढ़ते हैं दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, यानी कि यहाँ पे हे जो दो चश्मी हे होती है, हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह डिटेल में जो पढ़ा था कि दो चश्मी हे की अपनी आवाज़ नहीं होती, ये हे की आवाज़ बकायदा देता ही नहीं है, ये पिछले लफ्ज़ को थोड़ा सा भारी कर देता है। तो लिखने में दो चश्मी हे है और इसको पढ़ना भी आपने कैसे है दूल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन नहीं आपने पढ़ना, ये तलफ़ भी इसका फिर गलत हो जाता है। ग्यारहवां, बारहवां, यहां भी दोनों अल्फाज जो है ये हे की बजाय ये दो चश्मी हे के साथ लिखे जाते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पे, दो चश्मी हे का इस्तेमाल होता है दोनों अल्फाज में ग्यारहवां और बारहवां में। तुम्हारी, उन्हें, तुम्हें, जिन्हें, ये भी मैंने गलत पढ़े हैं दोस्तों, हे यहां भी ये नहीं आती, यहां भी दो चश्मी हे ही आती है। और यहां पे फिर जब दो चश्मी हे आ गई है तो इसका मतलब है कि यहां पे हे की बाकायदा आवाज नहीं आएगी। तुम्हारी, उन्हें, तुम्हें, जिन्हें, इस तरह ये अल्फाज जो ये पढ़े जाएंगे, तुम्हें, जिन्हें, जिन्हें पढ़ना जो है ये दुरुस्त नहीं है। मजीद अल्फाज अगर देखें, अंडा, अड्डा, ये आखिर में अलिफ नहीं, अलिफ आएगा, हे नहीं आएगी, हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले वीडियो में ये भी, कि जब भी आपके अल्फाज में डाल, डे, टे वगैरह आ जाए तो ये 90% ज्यादा अल्फाज होते हैं वो अलिफ पे ही खत्म पजीर होते हैं। और ऐसे अल्फाज जिनमें दो चश्मी हे का इस्तेमाल हो तो वहां पे तो 100% अल्फाज जो है उनके आखिर में अलिफ ही आता है, हे नहीं आती। तो अंडा और अड्डा अलिफ से इख्ताम होंगे, इनके अल्फाज का इख्ताम होगा। इसी तरह ठेका और ठेला जो है ये भी अलिफ पे होगा। धोखा, भरोसा, ये भी आखिर में अलिफ ही इनके आखिर में आएगा, हे नहीं आएगी। पटाखा, धमाका, इनमें हम देखते हैं टेका और दो चश्मी हे का इस्तेमाल है, यहाँ भी है, इनको हम हे की भी अलिफ से लिखेंगे। धचका, घोंसला, इनके आखिर में भी हे की भी अलिफ ही का इस्तेमाल होगा। जाला, बुलबुला, ये दोनों अल्फाज जो हैं ये भी हे की बजाय अलिफ पे ही खत्म पज़ीर होते हैं, इनके आखिर में भी अलिफ ही आता है। जानिसार, ये लफ्ज़ दोस्तों गलत है, जानिसार होता है, जान, जान इसको हम कह रहे होते हैं जान निसार, तो इनको इसी तरह लिखना चाहिए जान और फिर निसार। और अगर हम इस तरह लिख रहे हैं तो ये फिर हम गलत लिख रहे हैं,
जान इसार और तहत नून गुना का इस्तेमाल इसमें आएगा। ऐलान ऐलानिया, ये दोनों अल्फाज जो हैं ये हमें इनको एक दूसरे के लिहाज से मिक्स कर रहे होते हैं। ऐलान नहीं होता, ए ऐलान से पहले अलिफ आता है, ए ऐलान लफज है। दूसरा जो होता है ऐलानिया, यहाँ पे ए ऐलानिया नहीं होता, यहाँ पे अलिफ नहीं आता। तो ये ऐलान में अलिफ आ रहा है, ऐलानिया में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। हम इधर अलिफ डाल रहे होते हैं, और जहाँ पे अलिफ नहीं आना वहाँ पे हम अलिफ डाल रहे हैं, जहाँ पे आना है वहाँ पे हम नहीं डाल रहे होते। तो ये आप देख लें अच्छी तरह की दफा कि ऐलान और ऐलानिया। अजूबा भी इसी तरह, अजूबा लफ्ज़ में होता है ये भी अजूबा, अहिन से पहले यहाँ भी अलिफ जो है वो आएगा, और लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी ये जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है इसको लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आपका देखने का शुक्रिया। अपने दोस्तों शेयर करें। खुदा हाफिज़।